किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसके गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गांववासियों को मुख्यधारा में लाना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गांवों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गांववासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत ABPS न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद संभल के ब्लॉक संभल में स्थित गांव सहजादी सराय पड़ाव। लगभग 4200 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 1 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान लता देवी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 360 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की बदहाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में सीसी टाइल्स रोड, प्राइमरी विद्यालय में शौचालय तथा 9000 रुपए का मरम्मत कार्य तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 शौचालयों का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में 20 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा 20 और हैंडपंप लगवाने की सरकार से मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में 150 विद्युत पोल, 7 विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 22 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। वहीं ABPS न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में सड़क निर्माण, पंचायत घर, शमशान घाट, बारात घर, कंटेनर कॉलेज में पानी की टंकी के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान पति धीरज सिंह बात कर रहा हूं। मेरी ग्राम पंचायत सहजादी सराय से बात कर रहा हूं। मेरी ग्राम पंचायत में अभी तक जो सड़कें मैंने बनवाई हैं सब सीसी सड़कें बनवाई हैं, और गांव में सौर ऊर्जा लाइटें भी 22 लगवाई हैं अब तक, और गांव में 2 रिबोर नल करा के लगवाए गए हैं, और शौचालय भी लगभग 95 के करीब कंप्लीट हो चुके, और कुछ शौचालय अभी बाकी है 30-40 जो बनने बाकी है। और गांव में मेरे अभी तक कोई आवास तो बन ही नहीं पाया। मैंने पीछे बात की थी, उन्होंने बताया कि 2011 की सूची में जो नाम आए हुए थे उन्हीं के उनके आवास बनने हैं। मेरे गांव में अब तक कोई भी एक भी आवास नहीं बन पाया जी। मैंने लगभग 30-32 लोगों के नाम आवासों के लिए दिए गए हैं। मेरा यही निवेदन है कि वो आवास भी जल्द से जल्द बनने चाहिए। गाँव में मेरे काफ़ी काम रुके हुए हैं जो कि जनता के हित के लिए होने जरूरी है। नंबर एक है, मेरे गाँव में प्राथमिक सेकंड स्कूल है जो कि काफ़ी नीचा और जार्जर भी है। बच्चे काफ़ी आते हैं, उसमें बैठने की व्यवस्था भी नहीं है और प्रेयर की भी नहीं है जी। मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरी सहजादी सराय का स्कूल, ग्राम समाज की भूमि मेरे पास है, उपलब्ध है, उसमें वो बनवा दिया जाए जिससे कि बच्चों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था हो जा। और बाकी बेटियों के लिए तो वैसे कन्या इंटर कॉलेज की बहुत सख्त ज़रूरत है, जिससे कि बेटियों को बाहर जाने में दुविधा होती है। आज के समय में बेटियों को बाहर भेजने में बड़ी परेशानी है, तो मेरा तो यही अनुमोदन है कि मेरे गाँव में ही कन्या इंटर कॉलेज बन जा, स्वास्थ्य केंद्र बन जा, पंचायत घर बन जा, और बारात घर भी बनना बड़ा ज़रूरी है, और पानी की टंकी भी लगना बहुत ज़रूरी है जिससे कि गांव के गरीब लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाए। तो बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि मेरी ग्राम पंचायत सहजादी सराय में है, जो भी रुके हुए कार्य हैं बहुत जल्द से जल्द पूर्ण किए जाने चाहिए। ग्राम सहजादी सराय में स्कूल की स्थिति इतनी ख़राब है जो कि सड़क से 4-5 फीट नीचे तो कमरे हैं, और 2-3 फीट नीचे सड़क से नीचे मेरे स्कूल की जो भी जगह है वो है, और शौचालय का पानी भी निकलने में बाहर दिक्कत आती है, जिससे कि स्कूल जो है गांव का ज़्यादा ही ख़राब है। मेरा आपसे यही कहना है कि मेरे गांव के गरीब बच्चों के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पढ़ने में बहुत बाधा आती है, और उन्हें बरसात के समय में बैठने में भी यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत होती है। जो नहीं बैठ पाते वो घर चले जाते हैं। मेरा तो आपसे यही कहना है कि मेरे गांव का स्कूल जो है दूसरी जगह, मेरे गांव में ही जमीन है ग्राम पंचायत की, उसमें बनवा दिया जाए।